खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने की कर लीजिए तैयारी। 29 जून 2024 को न्याय के देवता सूर्य पुत्र शनि देव होने जा रहे हैं वक्री। जी हाँ दोस्तों, शनि के चाल परिवर्तन के बाद से ही चार ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत अचानक से बदलने जा रही है, मालामाल होने जा रही है, धन की बारिश होने जा रही है। 29 जून 2024 के दिन शनि वक्री होंगे जो अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे। सीधी चाल से उल्टी चाल में शनि चलेंगे, तो ऐसे में कई ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके किस्मत अचानक से परिवर्तन होने जा रही है, मालामाल होने जा रही है, धन का योग बनने जा रहा है। तो दोस्तों एक एक करके जानेंगे हम इस वीडियो में कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां जो शनि के वक्री होने के बाद से ही अचानक से अपनी किस्मत को सातवें आसमान पर ले जाने वाली है, किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि शनि ढाई वर्षों में एक से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। शनि अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है और इस पूरे साल इसी राशि में रहेंगे, यानी शनि का गोचर इस साल नहीं होगा, लेकिन शनि वक्री और मार्गी होते रहेंगे। सूर्य पुत्र और कर्म फलदाता शनि महाराज 29 जून 2024 को रात 11:40 पर कुंभ राशि में वक्री होंगे। शनि की चाल भाग्य या स्थिति में परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि शनि के वक्री होने से सभी राशियों पर पड़ने वाले लाभकारी और प्रतिकूल प्रभावों के बारे में। वैदिक ज्योतिष में शनि के दायित्व कारक ग्रह माना गया है। वह एक शिक्षक है और लोगों को व्यवस्थित तरीके से रहना सिखाते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। शनि व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने की भी अनुमति देता है। यदि आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो आपके कार्य सकारात्मक परिणाम लाएंगे, लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग गलत उद्देश्य या गलत दिशा में करते हैं तो आपको नकारात्मक परिणाम, नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। कुंभ राशि में शनि का वक्री होना अन्य सभी राशियों पर क्या प्रभाव डालता है हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। तो आइए बात करते हैं वो कौन सी राशियां हैं जिनका शनि के वक्री होने के बाद से ही अपने जीवन में परिवर्तन आने वाला है। पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी असर आएगा उन राशियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि आएगी वो आती है मेष राशि, जिनके भी नाम का पहला अक्षर चे चा ची चू ले ला ली लू से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों 29 जून शनि के वक्री होने के बाद से मेष राशि के लिए शनिदेव दसवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं। अब ये आपके एकादश भाव में वक्री होगा। करियर की बात करें तो नौकरी पैसा लोगों के लिए शनि का वक्री होना अनुकूल माना जा रहा है। इस दौरान तमाम कठिनाइयों के बावजूद आप अपने काम में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उन्हें शनि वक्री के दौरान अच्छा मुनाफा मिलेगा। मेष राशि के जातकों को धन कमाने में चुनौती और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद उनकी सफलता उन्हीं के हाथ में रहेगी। मतलब कोई भी कार्य है उनमें सफलता पाने के लिए मेष राशि के जातकों को मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के बाद उनको उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। धन का आवक का योग बनेगा। अगर कहीं फंसा हुआ पैसा है तो वो आने का योग बनेगा। घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। यात्रा का योग बन सकता है और उस यात्रा से आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लाभ होगा। मेष राशि के जातकों को शनि के इस वक्री के बाद से परिवार में शुभ समाचार देखने को मिलेगा। कोई ना कोई मांगलिक कार्य होने का भी योग बन सकता है। घर में खुशहाली बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको निजात मिलेगी। पति पत्नी में अब तक जो अनबन चल रही थी उसमें भी आपको वापस नजदीकियां देखने को मिलेगी। एक दूसरे में प्रेम और विश्वास झलकेगा। मेष राशि के जातकों को शनि के वक्री होने के बाद उपाय बताया गया है कि आप कोई भी मंदिर में झाड़ू का दान जरूर करिएगा। इससे शनि देव का आशीर्वाद आप पर बनेगा और आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। झाड़ू के दान से माता लक्ष्मी का विशेष आपको सहयोग मिलेगा और उनके आशीर्वाद से आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी भी अवश्य लिखिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि
जीवन जो है पूरा का पूरा उनका संघर्ष कठिनाइयों और गरीबी में ही बीत जाता है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ही कम मेहनत के बावजूद भी बहुत आगे निकल जाते हैं। मित्रों, ये सभी ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके जीवन की संपूर्ण महाजन्म कुंडली। जी हाँ मित्रों, अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करके हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में घर बैठे अपने जीवन की संपूर्ण भविष्यवाणी, भविष्य फल, फलादेश के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्या दशा दोष चल रहा है, कौन सा ग्रह कमजोर है, सभी समस्याओं का समाधान आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने जा रहा है। दोस्तों, अगर आपका भी विवाह में देरी हो रही है, विवाह के लिए देखने तो जाते हैं लेकिन रिश्ते वाले हाँ या ना नहीं करते, या लड़का लड़की को लड़की लड़का पसंद नहीं आ रहा है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमेशा एक दो नंबर से रह जाते हैं, या प्राइवेट नौकरी के लिए कंपनियों में इंटरव्यू देकर आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कंपनियों वालों का वापस फोन नहीं आता या कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन कौन सा बिजनेस शुरू करें जो आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, आपको तरक्की उन्नति दिलाएगा, या बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं लेकिन व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तरक्की उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, कोई ना कोई समस्याएं बन रही है, ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहे हैं, घर परिवार में कलेश बना हुआ है, पति पत्नी में अनबन है, कोई तीसरा बीच में आ चुका है, घर में बीमारियों का दौर चल रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, पति आपका कहना नहीं मान रहे, नशा पता कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, अभी जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप संपर्क करके हमारे गुरुजी से और अपने जीवन की संपूर्ण महाजन्म कुंडली के बारे में आप जान सकते हैं। चलिए मित्रों, बात करते हैं शनि बकरी के बाद से अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर गे गा गी गू से सा सी सु से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए शनि देव प्रथम और द्वादश भाव के स्वामी है, वे इस समय आपके प्रथम भाव में वक्री होंगे, इसलिए इन लोगों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आपको अनावश्यक खर्च वाली अनावश्यक यात्रा भी करनी पड़ सकती है। जब करियर की बात आती है तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने और नौकरी में संतुष्टि पाने के लिए करियर बदलने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन इस समय करियर में बदलाव से बचना बेहतर है क्योंकि ये फलदायी नहीं होगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो इन लोगों को अप्रत्याशित स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी जिससे आपको लाभ मिलेगा। लंबे समय के बाद घर परिवार वालों के साथ लंबा समय बिताने का योग बनेगा। पति पत्नी में अब तक जो अनबन चल रही थी उसमें आपकी नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे पे प्रेम और विश्वास जताने में आप कामयाब रहेंगे, स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और कई समय से जो अटका हुआ पैसा है वो आपका आने का योग बनेगा। दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों को उपाय बताया गया है कि शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते या काली गाय को रोटी जरूर खिलाइएगा, इससे शनि देव प्रसन्न होंगे और आपको आपके जीवन में आर्थिक रूप से उन्नति देखने को मिलेगी। चलिए मित्रों, बात करते हैं 29 जून 2024 शनि के वक्री होने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर ते ता ती तू रे रा री रु से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वालों के लिए शनि देव चौथे और पांचवें भाव के स्वामी है, फिलहाल ये आपके पंचम भाव में ही वक्री हो रहे हैं। कार्यस्थल में आपके किए गए कार्य पर सवाल उठ सकता है, आपके आर्थिक जीवन में धन की कमी की समस्या हो सकती है और इसका कारण बजट का प्लान न कर पाना होगा। अपने प्रेम जीवन में इन लोगों को भावनात्मक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है जिसमें अहम आगे आ जाता है, इस कारण जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। इस दौरान आपको लंबी यात्रा का योग बनेगा और उस यात्रा से आपका आर्थिक रूप से लाभ भी मिल सकता है। अगर तुला राशि के जातकों का साल भर के अंदर ही विवाह हुआ है तो आपके घर में नए मेहमान के आने का योग बन सकता है, कोई नन्ही कलकारी गूंज सकती है, नए नए लोगों से मिलने का आपको योग बन रहा है। तुला राशि के जातकों को उपाय बताया गया है, शनि वक्री के बाद आप किसी भी शनिवार के दिन कोई भी मंदिर या आसपास कोई भी धार्मिक स्थान हो वहाँ पर एक मटके का दान जरूर करिएगा, इससे आपको आर्थिक रूप से तरक्की और उन्नति देखने को मिलेगी। चलिए मित्रों, शनि वक्री के बाद अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर मे मा मी मू टे टा टी टू से शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। सिंह
राशि वालों के लिए शनि महाराज छठे और सातवें भाव के स्वामी है। ये इस समय आपके सप्तम भाव में वक्री होंगे। पेशेवर माहौल में आपको काम के सिलसिले में अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती है जो आपको पसंद नहीं आएगी। सिंह राशि के जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में कुछ असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत करने के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। और वहीं आपके निजी जीवन पर नजर डाले तो आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में थोड़ी अनबन रहने की संभावना बन रही है। ऐसे में आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। छोटी मोटी यात्राओं का आपका योग बनेगा। शनि के वक्री होने के बाद काम कारोबार में आपको तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी। कहीं से रुका हुआ धन आने का योग बनेगा। और इस समय आप भूमि भवन में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। भूमि भवन के लिए आपका समय अच्छा रहेगा, कहीं भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो। तो चलिए मित्रों, शनि वक्री के वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात करेंगे एक और नए और ताजा वीडियो में। तब तक के लिए होम नमः शिवाय।